Hello student, good morning. Start a poem, A Thing of Beauty, written by John Keats. Students, A Thing of Beauty is composed by John Keats. He was a British romantic poet. There were 5 romantic poets during the romantic period in England, and John Keats was one of them. Though he was trained to be a surgeon, a doctor, but he decided to devote himself to poetry. He died at a very young age of 26. The lines of the poem are taken from Keats' rather long poem, Endymion, a poetic romance. Students, A Thing of Beauty, जिसे जॉन कीट्स ने कंपोज किया है. जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट थे जिनकी ट्रेनिंग एक डॉक्टर के रूप में हुई थी, सर्जन के रूप में हुई थी, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि ही वुड डिवोट हिमसेल्फ टू पोइट्री. और बहुत छोटी सी कम एज में, 26 की एज में वो मर चुके थे. ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये इनफैक्ट एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस एक बहुत बड़ी पोइम है जहां से ये कुछ लाइंस ली गई. द पोइम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड इन विच एंडीमियन अ ब्यूटिफुल यंग शेफर्ड एंड पोएट हु लिव्ड ऑन माउंट लेटमोस हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. द एंचांटेड यूथ रिजोल्व टू सीक हर आउट and so wandered away through the forest and down under the sea. Students, आपके पास टेक्स्ट बुक है और उसमें ये पोएम दी गई है. ये 4th पोएम है. इस पोएम को आप पहले जोर से रिसाइटेशन कीजिए, पढ़िए. ये यहां पर पोएम की ओरिजिनल लाइंस दी गई है. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप अबाउट क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग. ये पूरी की पूरी लाइंस आपने एक बार पढ़नी, पूरी पोएम को एक बार अच्छी तरह से पढ़िए. यहां पर आपको इन 2 स्लाइड्स में मैंने पूरी. अब ये जो पहला स्टेंजा है अ थिंग ऑफ ब्यूटी से लेकर ब्लूम्स तक, जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, इट विल अपीयर एट पेज नंबर 98. इन लाइंस में पोइट क्या बोलते हैं? द पोइट सेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय. स्टूडेंट्स, आप ये देखिए, जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे कीप अस हेल्दी मेंटली, दे कीप अस हेल्दी बिकॉज दे गिव अस पीस ऑफ माइंड. इसीलिए पोएम में पोइट ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर परमानेंट सोर्स ऑफ जॉय. ब्यूटीफुल थिंग्स का मीनिंग यहां पर बिल्कुल अलग है. आप ब्यूटीफुल किस सेंस में यूज कर रहे हो? Not in the sense of beauty of human beings. Beauty of human beings is skin deep. ये नेचर की बात कर रहे हैं, किसी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जैसे कोई ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल नेचर में आपके पास रिवर्स हैं, सन है, मून है, ट्रीज हैं, या फिर फ्लावर्स हैं. Then we have beautiful buildings just like the Taj, the Eiffel Tower, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. ये सभी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं. ये ब्यूटीफुल राइटिंग्स हो सकती है, शेक्सपियर की सोनेट्स हो सकते हैं, शेक्सपियर के प्ले हो सकते हैं, कालिदास के प्ले हो सकते हैं, या हमारे हिंदी में भी बहुत सा लिटरेचर लिखा गया है, दैट इज ब्यूटीफुल, दैट कीप अस हैप्पी ऑल द टाइम. और पोइट इज ट्राइंग टू से दैट द ब्यूटी has a great power, its loveliness never fades from our imagination. Our imagination adds new colors to it.
इट इज परमानेंट एंड नेवर डिकेज। ब्यूटीफुल चीजों की कभी भी मौत मृत्यु नहीं होती है। इट रिमेन्स फ्रेश इन आर मेमोरी। इट इज जस्ट लाइक अ बॉय, अ शेडी प्लेस दैट सूथ्स आवर वियरी माइंड। जैसे आप थके हारे जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हो तो आपको काफी शांति का एहसास होता है, वही उस नेचर की ब्यूटी है, क्योंकि आपको वक्त जिस चीज की आवश्यकता है वो आपको मिलती है। इन सैडनेस वी कैन रिकॉल अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड कैन फील हैप्पीनेस। जब आप बड़े उदास हो जाते हो, जब आप बोर हो रहे होते हो, तो आप पास्ट में कोई ऐसी ब्यूटीफुल सुंदर चीज देखी हो, उसको जब आप रिकॉल करते हो अपने दिमाग के आईने में, जब उसको लाते हो तो आपको बहुत अच्छा सुखद एहसास होता है एंड यू फील वेरी हैप्पी। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीप्स अस हेल्दी एंड गिव्स पीस ऑफ माइंड। जो सुंदर चीजें हैं वो हमें हेल्दी रखती हैं, वो हमें पीस ऑफ माइंड देती हैं। इसीलिए हम नेचर में जाना चाहते हैं ताकि हम पॉल्यूशन से दूर रहें, सुंदर सुंदर चीजों को देखें, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखें। दूसरा स्टंजा है, therefore in every dark spirits, these lines will appear again at page number 98. इन लाइंस में पोइट आपको क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बोलते हैं द पोइट सेज दैट ब्यूटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग आवर लाइफ गुड ऑन द अर्थ। इट इज जस्ट लाइक अ फ्लावर बैंड दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। जैसे कोई बैंड होता है, जैसे आप हाथ में बैंड बांधते हो, ठीक है, वो आपके हाथ के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, वहां पर बंधा होता है, वैसे ही जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे कीप अस इंटैक्ट टू द अर्थ। अर्थ से अगर हम जुड़े रह रहे हैं, इस पृथ्वी से अगर जुड़े हैं, तो किस वजह से? बिकॉज ऑफ दोज ब्यूटीफुल थिंग्स। डिस्पाइट सैडनेस एंड सोरोज ब्यूटी कीप्स अस हैप्पी ऑल द टाइम। कितना भी दुख हमें क्यों ना हो, कितना भी उदास हम क्यों ना हो, लेकिन जो सुंदरता है, जो नेचर की सुंदरता है, वो हमें हमेशा खुश रहने पर मजबूर कर देती है। लाइफ इज फुल ऑफ डिप्रेशन एंड डिजेक्शन एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ पीपल विद नोबल हार्ट्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि मॉडर्न टाइम में भी हम लोग काफी डिप्रेशन, डिजेक्शन, अपनी निराशाओं से घिरे रहते हैं और हम बड़े दुखी होते हैं। कई बार हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है अपनी लाइफ की समस्याओं का। तो पोइट ये बोलना चाह रहा है कि ऐसे डिप्रेशन के टाइम, डिजेक्शन के टाइम, या कई बार क्या होता है, वी हैव शॉर्टेज ऑफ पीपल विद नोबल हार्ट्स, अच्छे लोगों की कमी हो जाती है और ये बात हमें दुखी करती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड गो बैक टू द लैब ऑफ द नेचर एंड वी शुड सीक हर ब्लेसिंग्स देयर। तो हमें सुंदर नेचर को निहारना है, वहां पर अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करनी है। मेंस लाइफ इज ग्लूमी एंड सैड। आप सभी जानते हैं, नोबडी इज हैप्पी ऑन दिस अर्थ, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस, बट मेंस लाइफ इज ग्लूमी एंड सैड। ठीक है, उन समस्याओं की वजह से, बिकॉज ऑफ दोस सॉरोज एंड सफरिंग्स, आवर लाइफ इज ग्लूमी। हमारी जो लाइफ है, जो हमारा जीवन है, वो बड़ा अंधकार में ऐसा लगता है, उदास लगता है, दुख भरा लगता है, बट ब्यूटी मेक्स अस लाइफ ऑन दिस अर्थ हैप्पीली। लेकिन जो ब्यूटी है, दैट विल मेक अस लिव ऑन दिस अर्थ हैप्पीली, वो हमेशा हमेशा हमें इस धरती पर खुशी खुशी रहने के लिए प्रेरित करती है। ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव जब द ग्लूम एंड सैडनेस फ्रॉम आवर हार्ट। और जो सुंदर चीजें हैं, वो हमारा हमारे दिल पर जो एक अंधकार सा छाया है, जो एक उदासी सी छाई है, उसको दूर करने में भी। Then students, in the next stanza that starts with the words such the sun, the moon, rose blooms, these lines are found at page number 98 and 99. The poet mentions those things that are beautiful. अब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि yes, beauty keeps us happy all the time. That is a source of permanent joy. But what are those beautiful things? वो beautiful things हैं क्या?
उन्हें यहाँ पर फॉल्ट बता रहे हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट आर दोज ब्यूटीफुल थिंग्स, तो वो कौन कौन सी है, द मून, द सन, बिग एंड स्मॉल ट्रीज, लवली डैफोडिल्स, डैफोडिल्स आर फ्लावर्स, एंड मास क्रोजेस, स्ट्रीम्स, ऑल दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुल। ये सभी चीजें जो है ये सुंदर है, सूर्य है, चांद है, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, डैफोडिल्स फ्लावर्स हैं, रोजेस हैं, इतने भी फूल हैं जो आपके मन की आंखों को बहुत खुश कर देते हैं, वो सभी चीजें सुंदर है। ट्रीज गिव कूल एंड प्लेजेंट शेड टू जेंटल शीप। अगर एक थके हारे अगर कोई जानवर, कोई पशु या इंसान भी अगर थक करके एक पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो उसे जो कूल एंड प्लेजेंट जो अच्छे एक सुखद एहसास वहां पर ठंडक मिलती है, उसकी थकावट को दूर करती है, तो उससे सुंदर चीज और क्या हो सकती है। The streams, rivers make cooling shade for themselves and thus protect themselves from heat of the sun. और कभी आपने देखा होगा नदियों के किनारों पर छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, ऐसा लगता है कि नेचर ने अपने लिए भी छाया का प्रावधान कर रखा है, प्रबंध किया है, कैसे कि वो जो छोटे छोटे पौधे हैं उनकी छाया वो नदी पर पड़ती है और ऐसा लगता है कि वो उस पानी को भी कूल कर रही है, उसे भी सुखद एहसास दे रही है। फॉरेस्ट ग्रोज लवली रोजेस दैट प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू आवर माइंड। इसी तरह से गुलाब जगह जगह जंगल में उगे होते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, शांति प्रदान करते हैं, दे आर ऑल्सो ब्यूटिफुल थिंग्स। नेक्स्ट स्टैंजा इज एंड सच टू हेवन्स ब्रिंक एट पेज नंबर 99। द पोएट सेज दैट गॉड रिवार्ड्स माइटी मेन ऑफ द वर्ल्ड हु डिड ग्रेट डीड्स इन दिस वर्ल्ड। जो भी लोग अच्छे काम करते हैं, अच्छे काम का मतलब है सुंदर काम करते हैं, भगवान उन्हें रिवार्ड देते हैं, इनाम देते हैं, दे आर डेड नाउ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि वो लोग जिन्होंने इस धरा के लिए, इस धरती के लिए, those who did great deeds for this world, they are dead now. Those rewards make us happy. लेकिन हमें खुशी होती है कि वो लोग अपने देश के लिए, अपनी इस धरती के लिए कुछ करके गए हैं। The lovely tales of olden times that we have read or heard are also beautiful. इसके अलावा students, जो भी lovely tales हैं, मैंने आपको पहले example दिया था, Shakespeare का example दिया, या कोई भी राइटर है जिन्होंने अच्छी अच्छी कहानियां लिखी हैं, आपको उन कहानियों को बार बार पढ़ने का मन करता है, कोई ऐसा संगीत होता है जिसको आप बार बार सुनना चाहते हो, वही ब्यूटीफुल थिंग्स है। दीज ब्यूटीफुल थिंग्स आर जस्ट लाइक एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यहाँ पर पोएट एक सिमिली का यूज करते हैं, मेटाफर का यूज करते हैं, कि ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, they are just like endless fountain of immortal drink that is poured down on us from the heaven. ऐसा लगता है कि ये जो सुंदर चीजें हैं, ये उस फाउंटेन की तरह, उस फव्वारे की तरह है जो लगातार चलता रहता है और हमें खुश रखता है, हमें सुंदर चीजों का ज्ञान देता है, that gives us much joy and peace of mind. और ये जो fountain of immortal drink है, जो सुंदरता का जो फवारा है, जो नेचर ने हमें सुंदरता का फवारा दिया है, इस नेचर के इर्द गिर्द आप जंगल में चले जाइए, आपको पक्षी दिखाई देंगे, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे, आप उनको देख करके खुश होते हो और वही चीजें जो है वो सुंदर है, वो उस इमॉर्टल उस फाउंटेन की तरह है जो हमारे दिमाग को हमेशा तरोताजा रख। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपके बुक के बिल्कुल लास्ट में, जहां पर आपकी पोएम खत्म होती है, एक्सरसाइज दी होगी, क्वेश्चंस दिए होंगे, और उसमें पहला क्वेश्चन है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। अब आप बिल्कुल आराम से बता सकते हो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो पोइट ने मेंशन की हैं, दे आर ब्यूटिफुल, दे आर ट्रीज, दे आर प्लांट्स, दे आर बर्ड्स, दे आर sweet tales written by some great authors, then there are some other things like sun, the moon, rivers, rivulets, flowers, daffodils, all these things are
ब्यूटिफुल, लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि आपको दुख देती हैं, दर्द देती हैं, वो चीजें कौन सी है? स्टूडेंट्स, समटाइम्स वी फील वेरी सैड अबाउट द डेथ ऑफ, अबाउट द शॉर्टेज ऑफ ग्रेट पीपल, वो लोग जिन्होंने इस धरा के लिए, इस धरती के लिए, इस देश के लिए, ये पूरे विश्व के लिए बहुत अच्छे काम किए, आज वो हमारे बीच नहीं है। और यही सोच हमें क्या करती है, उदासी देती है। और ये वही है, क्योंकि there is an air of general depression among human beings, there is a terrible death, shortage of truly noble souls, many evil and mysterious things happens daily, बहुत बुरी बुरी सी बातें भी विश्व में होती रहती हैं जो हमें दुख देती है। What is the line, therefore are we reading the flower event to bind us to our suggest to you, students this suggests to you that this is a thing of beauty that keeps us binding to the earth, therefore are we reading a flowery band, jaise ek flowery band hai, ek jisko aap patta bol sakte ho, ek wo kisi cheez ko band ke rakhta hai, waise hi beautiful things jo hai wo hame dharti ke sath band ke rakhti hai, these beautiful things keep us binding to the earth. What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? कौन सी चीज है जो sufferings होने के बावजूद, दुखों के होने के बावजूद भी हमें मजबूर कर देती है कि हम इस विश्व को, इस धरती को प्यार करें, वो क्या है? What makes human beings love life in spite of troubles and sufferings? आपने what निकाल देना है, आपने लिखना है a thing of beauty makes human beings love life in sufferings and pain. Why is grandeur associated with the mighty dead? Students, grandeur को अगर हिंदी में सोचा जाए तो शान, वो mighty dead के साथ शान क्यों जुड़ी है? Because those mighty dead, there were some great people who did great things for the world and they are remembered even today. That is the grandeur associated with the mighty dead. Do we experience things of beauty only for a short moments or do they make a lasting impression on us? ये तो आप बता सकते हो कि beautiful things क्या हमें कुछ पलों के लिए खुशी देती है या वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग पर छाप छोड़ देती है। तो we experience things of beauty forever. They make a lasting impression on us. वो हमारे दिमाग पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। What images does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? The poet is using the image of fountain of immortal drink that pour onto us from the heaven's brink. तो कौन सी इमेज, कौन सी पिक्चर पोइट ने यूज की है? That is the picture of fountain of immortal drink. Beautiful things को किसके साथ कंपेयर किया है? कौन सी पिक्चर बताई है कि beautiful things are just like fountains of immortal drink, उस फाउंटेन की तरह, उस फव्वारे की तरह जो हमेशा कंटिन्यूटी में ever going and going, वो ब्यूटी जो हमारे ऊपर वो that is showered upon us, वो सुंदर चीजें, वो सुंदरता हमारे लिए लगातार उसकी जो पूर्ति है वो होती रहती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।